नमस्कार, मेरा नाम है तनीषा त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा शो बातचीत। और आज के हमारे गेस्ट अतिथि और कोई नहीं बल्कि बॉलीवुड के एक ऐसे दिग्गज कलाकार हैं जिन्होंने अपना नाम अपने काम से बनाया। जी हाँ, उनके लिए ये बोलना बहुत ही सही होगा कि जिन्होंने अपने नाम से अपने काम को बनाया। उन्होंने सिर्फ ना गायकी में बल्कि एज अ कंपोजर, एज अ लेखक, एज अ डबिंग आर्टिस्ट अपने आप को एक जगह पे सीमित कभी होने ही नहीं दिया। उन्होंने अपने आप को इस तरीके से एक्सप्लोर किया कि उनका काम उनका नाम बोलता है, ना कि उनका नाम से उनका काम बोलता है। तो आइए स्वागत करते हैं वन ऑफ द सीनियर कंपोजर डबिंग आर्टिस्ट ऑफ मैनी हॉलीवुड एंड बॉलीवुड मूवीज, मिस्टर राहुल बिस्सेट का। Welcome to our show Baatcheet and thank you for giving us your time. Most welcome. Yeah. Sir, let's start with our interview ahead. I really want to ask you ki ye jo aapka safar hai Lucknow se, then you got into Africa aur aaj aap Mumbai mein hai, is safar ke bare mein hame thoda sa explain kare. Safar matlab ye hai ki I was born in Lucknow, paidaish meri Lucknow ki hai. और लेकिन बहुत ही शुरुआती दौर में, यानी व्हेन आई वाज वेरी यंग, वी माइग्रेटेड टू अफ्रीका, जाम्बिया। और काफ़ी छोटी उम्र में मैं जाम्बिया शिफ्ट हो गया था। फिर वहीं पे शुरुआती तालीम सारी वहीं हासिल की मैंने, एंड आई स्टडीड इन लुसाका, द इंटरनेशनल स्कूल ऑफ लुसाका। और वहाँ काफ़ी साल रहा और फिर रहने के बाद आई केम बैक टू लखनऊ। एंड शुरू से म्यूजिक हैज ऑलवेज बीन अ पैशन। जितना भी क्रिएटिव आर्ट है, म्यूजिक राइटिंग, कौन सी एज से आपके अंदर आ गया था कि हाँ, म्यूजिक पे ही जाना है? बहुत ही यंग एज से। इनफैक्ट आई स्टार्टेड रीडिंग एट द एज ऑफ 3 एंड आई रोट माय फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी एट द एज ऑफ 5। तो 5 साल का था जब मैं अपनी पहली स्टोरी लिखी थी एंड इट वाज क्वाइट अप्रिशिएटेड बाय एवरीबॉडी इन स्कूल। मतलब शुरू से एक था मेरे अंदर एक, but it's also part of my genes because I belong to a family of writers and creative people. So kahin na kahin background ke bare mein thoda sa hame evaluate kijiye ki kaise, matlab ki agar aapke andar music mein tha, ye sun sun ke tha ya fir jaise aapne bataya ki aapke background mein pehle se hi music the, music is always connected to you from the when you were in a small age, music is always there with you. सी, मेरे केस में क्या था, सिंस आई लाइक आई सेड आई ग्रो अप इन जाम्बिया अफ्रीका, तो वहाँ पे आई वाज एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल म्यूजिक, लॉट ऑफ अफ्रीकन म्यूजिक स्पेशली। और अफ्रीकन्स आर वेरी रिच इन रिदम, उनका रिदम वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो बचपन से मैंने उनके साथ, यू नो, आई स्टार्टेड जैमिंग विद देम, आई स्टार्टेड प्लेइंग द अफ्रीकन ड्रम्स विद द लोकल ट्राइबल्स, यू नो। तो अभी भी अगर आप देखें मेरे बैकग्राउंड में, इधर एक देखें अफ्रीकन ड्रम रखा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट इज देयर। मुझमें शुरू से रिदम का बहुत स्ट्रांग सेंस था, यू नो, सिंगिंग, एंड आई कुड आइडेंटिफाई विद द अफ्रीकन म्यूजिक आल्सो वेरी वेल बिकॉज समवेयर आई कनेक्टेड विद देम बिकॉज इट्स वेरी सोलफुल। अफ्रीकन म्यूजिक इज आल्सो वेरी सोलफुल। इट बिकेम अ पार्ट ऑफ माय, यू नो, लाइक अपब्रिंगिंग एंड स्टफ, एंड देन आई लिसनड एंड आई हर्ड a lot of african artists, musicians, international musicians at a very young age. Tab aapne african music se bahut acche se aur bahut zyada khule hue hain, to wahan ke kuch aapke favorite jo jinse aap inspire hue, jo aapko matlab jinko aap zyada maximum level pe sunte the, kisi ke agar aapko naam yaad hai? Kafi wahan pe us un zamane mein local bands, local artists bahut hua karte the jinke bare mein yahan kisi ko janta bhi nahi hai, but they were like Teddy Chilambe and all these, they were like good names. And obviously, उसके अलावा तो international artists like Michael Jackson. नहीं, Michael Jackson was one of my idols also. मैं बचपन से काफी MJ को follow करता था. I used to sing like him, I used to even dance like him and all this stuff. तो शुरू से एक वो भी grounding रही. I've learned a lot by listening to a lot of international artists also. तो सर, आपने अपना career in a Bollywood कैसे start किया? मतलब आपका first crack कौन सा था? Bollywood से पहले I
started in advertising. मैंने actually advertising ad world को काफी साल दिए, more than 15-16 years. I done a lot of, I've done more than 2,500 ad jingles and corporate songs, anthems. Worked with the biggest of agencies for the biggest of brands, with the biggest of brand ambassadors. अगर कोई एक अगर सुन ले हम, अगर कोई एक ad ना बोल सके. काफी हैं, बहुत हैं. Most popular ones. जैसे BSNL का लॉन्च एंथम वाज डन बाय मी, रिटन सांग एंड कंपोज बाय मी. सुना भी होगा आपने, गुजरात से बंगाल तक, यूपी से महाराष्ट्र तक, आंध्रा से हिमाचल या आसाम से बंगाल तक, ये जो था पूरा एंथम, दैट वाज डन बाय मी, दैट वाज क्रिएटेड बाय मी. अभी रिसेंटली आई हैव डन अ वेरी बिग कैंपेन फॉर SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो रिलीज होने वाला है. उस बीच मतलब काफी कॉर्पोरेट एंथम्स से लेके एड फिल्म से लेके एड जिंगल से लेके, आई शुड डू अ लॉट ऑफ कॉपीराइटिंग फॉर एड एजेंसीज, यू नो, कंटेंट राइटिंग एंड स्टफ. तो ये तो था मेरा एडवर्टाइजिंग का सफर. बट फिल्मों में एक तरह से ये एक और एक बहुत अच्छी चीज़ थी, क्योंकि मैं अफ्रीका से आया था, तो मैंने वहाँ पे जो एक अफ्रीकन लिंगो होता है और एक एफ्रो स्टाइल ऑफ रैपिंग जो होती है, एकदम प्योर अफ्रीकन काइंड ऑफ रैपिंग, वो मुझे आती थी. और यहाँ पे कोई किसी ने कभी सुना नहीं था और कोई जानता नहीं था उस तरह का. तो व्हेन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग एंड मीटिंग पीपल, उनको मैं सुनाता था, दे यूज्ड टू बी वेरी अमेज्ड कि यार ये तो एकदम नया साउंड है, इसे करना चाहिए यहाँ पे. तो मुझे याद है अनु मलिक जी से मैं जब मिला था, ही लव्ड माय होल एफ्रो सिंगिंग एंड ऑल. सो माय फर्स्ट ब्रेक इन बॉलीवुड व्हिच आई गॉट वाज अ फिल्म कॉल्ड हम आपके दिल में रहते हैं, काजोल कपूर. उसमें गाना था ढिंगतारा ढिंगतारा, व्हिच वाज संग बाय सोनू निगम, हेमा सरदेसाई एंड माय सेल्फ. आई डिड द होल रैपिंग पोर्शन इन दैट. तो उसमें अनिल कपूर के ऊपर जितना भी रैप पोर्शंस वगैरह पिक्चर है, इनफैक्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द सॉन्ग इज विद माय वॉइस. So he said, he's got style, he's got style, he's the man with the style, yeah, he's got style, he walks in style, he talks in style. Pura tha pura. Yes. And this tarah se pure gaane mein there were a lot of rap portions and stuff like that. So that was my first foray into Bollywood, you can say, where I started with that rap vocals and all. Aur wo itna popular hua, logon ko acha laga, to aage jaake phir kai filmon mein maine rap vocals karne shuru kiye. Aur उन दिनों तो रीमिक्सेस का भी दौर था, तो आई एंडेड अप सिंगिंग मेनी रीमिक्सेस रैप वोकल्स के लिए. बॉलीवुड में मॉडर्नाइजेशन में लाने का आपका भी एक हाथ रहा है, थोड़ा सा लाइक रैपिंग एंड दोनों ही हाथ रहे हैं. सो उस टाइम पे क्लासिकल एंड ऑल ज्यादा सुना जाता था, ट्रेडिशनल ज्यादा फेमस था, बट एज यू सेड कि आपने उसमें थोड़ा सा अपना अफ्रीका में सीखी हुई चीजें डाली, तो मेरा क्या था जैसे तड़का दिया है. बिल्कुल हाँ, बिकॉज़ आई वाज एक्सपोज्ड टू अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल म्यूजिक. Yes. मैं जब आया वापस लखनऊ इंडिया, तो द ओनली म्यूजिक दैट वाज हियर वाज बॉलीवुड. यस. तो हालांकि मैं वहां भी बॉलीवुड सुनता था, बट यहां जो मैं वहां सुनता था, यहां किसी ने सुना नहीं था. हां जी. तो इट वाज क्वाइट अ कल्चरल शॉक फॉर मी कि यार इन लोगों को तो पता ही नहीं इस तरह के आर्टिस्ट भी हैं, इस तरह का म्यूजिक भी है. तो आई स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ फ्यूजन एट अ वेरी अर्ली एज में, यू नो, इंडो अफ्रीकन और जिसे आप वर्ल्ड म्यूजिक कहते हैं. Yes, वो मैंने काफी मतलब बचपन से ही शुरू कर दिया था उस तरह का एक्सपेरिमेंटेशन वगैरह करना. तो व्हिच पीपल यूज्ड टू लाइक, दैट्स व्हाई व्हेन आई शुड डू रीमिक्सेस एंड स्टफ लाइक दैट, मैं उसमें काफी कुछ क्रिएट करता था, यू नो, एक नॉर्मल गाने के अंदर कुछ अलग सा. आई यूज्ड टू डू सम नाइस अफ्रीकन पोर्शंस एंड स्टफ लाइक दैट. सो पीपल यूज्ड टू लाइक दैट. सर आपने गेट रेडी टू फाइट लाइक आपने इसमें भी आपका इसमें भी कंट्रीब्यूशन रहा है, तो उसके बारे में भी कुछ बताइए हमें. टाइगर श्रॉफ की बागी, राइट? यस यस यस. गेट रेडी टू फाइट जो एक्शन एंथम है, दैट इज रिटन बाय मी. व्हेन बागी वाज बीइंग मेड, तो साजिद नडियाडवाला जी हैड अप्रोच्ड मी एंड ही न्यू दैट, यू नो, आई डू अ लॉट ऑफ एडवर्टाइजिंग वर्क एंड एंथम. तो जो डायरेक्टर थे फिल्म के, साबिर खान, उन्होंने उनको बोला था कि आप प्लीज इनको कॉन्टैक्ट कीजिए, बिकॉज दिस वॉज एन एक्शन एंथम. And they said that the person that who can do justice to a song anthem like this is Rahul, because he's so good at writing anthems and motivationals. Yes. So we met and I heard the tune, melody and stuff like that. और वहीं पे हम लोग ने करके मिलके, तो साबिर खान जी जो है, उन्होंने वो एक उनकी एक line थी, get ready to fight. Yes sir. He gave me that line. He said my main hook line is get ready to fight. अब आपको उसके around पूरा गाना create करना है. So I wrote the lyrics and stuff like that, and the song went on to be a very big hit. 75 million views on YouTube. Yes, sir. Yeah. It was a hit. वो बहुत hit गया song.
हिट किया और इट वाज वेरी मोटिवेशनल सॉन्ग फॉर द यूथ बेसिकली सर, चाहे आप जिम करने को बोलो, चाहे आप स्ट्रगलिंग के डेज में उस चीज को सुनो तो बोलो, बिकॉज वो बहुत मोटिवेशनल सॉन्ग था एक आगे स्टेप। अभी वैसे ही उसको मैंने जिस तरह के अल्फाज लिखे उसमें वो ऐसे लिखा था ताकि लोग सुन के इंस्पायर हो, मोटिवेट हो और कुछ कर गुजरने की, एक कुछ कर गुजरने का जुनून जो होता है ना वो होना चाहिए। So what the King Khan, the tribute to the King Khan? That was basically, I had created a special promotional song for his film, yes. Fan. उस गाने की खासियत ये थी कि उसको जिस तरह से गाया था मैंने वो YouTube पे है, I made it sound as if Shahrukh Khan is singing the song himself. तो बहुत से लोगों को ये लगा कि अरे शाहरुख भाई गा रहे हैं क्या इसको, और शाहरुख खान साहब मैं काम भी कर चुका हूँ, I've done almost 4 to 5 campaigns, projects with him and stuff like that. Yes. When he heard that song, he also was quite amazed. He was like, "Arey, it sounds like can me." Can you also hear it live? simple, right? It says, "My name is Khan. The name is Khan. That's my pehchan. My name is Khan. That's my pehchan." बस मैं ही हूँ हर जगह। आपने आज हमें इतना अच्छा काम किया है, आपने अपनी एक पहचान बनाई है, लेकिन सर इसके पीछे बहुत स्ट्रगल रहा होगा आज यहाँ तक आप हैं, स्ट्रगल तो बहुत रहा होगा सर, बिना स्ट्रगल के तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है। तो सर आपके अंदर आपने जो स्ट्रगल अपनी लाइफ में जो आपने जो भी अपने स्ट्रगल की आप स्टोरी हमें बताएंगे उससे हमारी ऑडियंस बहुत इंस्पायर होगी, तो सर आपसे हम जानना चाहेंगे आपके ही मुंह से कि क्या रही है आपकी स्ट्रगल, आखिर राहुल सेठ की स्ट्रगल स्टोरी क्या रही है? स्ट्रगल स्टोरी एज सच, देखिए स्ट्रगल तो हर फील्ड में होती है और मेरा ये मानना है कि स्ट्रगल होना जरूरी भी है, जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी अहमियत नहीं होती जिंदगी में। यस सर, बहुत सीधी सी बात है कि रोशनी की जो है जो एक अहमियत है वो तभी पता चलती है जब आप अंधेरे का सामना करते हैं। अगर आप कमरे में है जहाँ पूरा अंधेरा है तो आपको रोशनी की जरूरत महसूस होती है, तो उसमें से हल्का सा कोई छोटा सा दिया भी जला दे तो लगता है अरे हाँ यार कुछ मिल गया। इसलिए तो रोशनी को अप्रिशिएट करने के लिए अंधेरे को झेलना बहुत जरूरी है, इसी तरह लाइफ में स्ट्रगल बहुत जरूरी है एंड यू हैव टू रियली वर्क हार्ड टू अचीव सर्टेन थिंग्स इन लाइफ। और मेरे साथ भी वही हुआ, मैं जब बॉम्बे आ गया और मैंने लिटरली स्ट्रगल शुरू की, हालांकि लाइक आई सेड आई बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ मेनी अचीवर्स एंड मेरे नाना जी खुद अपने ज़माने के बहुत मशहूर एक्टर डायरेक्टर रह चुके हैं, लेकिन मैं कभी भी उनके नाम का सहारा नहीं लिया। मेरा मानना यह था कि मैं अगर आज किसी फील्ड में कुछ कर रहा हूँ तो मैं चाहूँगा कि मैं अपने दम पे और उसको अपना कुछ अलग, अपनी एक अलग परिभाषा, अपना एक अलग व्यक्तित्व लोगों को दिखाऊँ, और ख़ासतौर से क्योंकि मैं आया था बाहर से एंड आई हैड अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स टू शेयर विद पीपल, तो वो एक स्ट्रगल था। और यस, जैसे होता है कि मैं आई यूज़ टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल, काफ़ी कंपोजर्स के साथ को मिलता था मैं, यू नो जैसे होता है उन दिनों तो कैसेट्स होते थे, उस टाइम पे तो सर सोशल मीडिया भी नहीं था, कुछ नहीं था, तो हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों में आपने डबिंग करी है, तो अगर कंप्लीट इंडियन फिल्म्स की लैंग्वेज डबिंग्स कर रहे हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज की फिल्म हो और उसको हिंदी में कर रहे हैं, या आप इंग्लिश हॉलीवुड फिल्म्स को हिंदी में कर रहे हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जहां मैंने हिंदी को इंग्लिश में किया है, यू नो तो देखिए चीज वही है, आप basically you are a dubbing artist, a good dubbing or a voice actor I would rather call, is an actor basically. तो आपको एक तो microphone के पीछे पूरी acting करनी पड़ती है, you have to become the character, it is very hard basically sir, very hard, you have to become the character, आपको जब तक आप वो film कर रहे हैं आपको आप खुद को भूल के आपको वो character बन जाना है, उसकी क्या प्रतिक्रिया है सोचने की, वो कैसे सोचता है, कैसे बोलता है, एक एक pause कैसे लेती है, you have to become that character and प्लस यू हैव टू ऐड योर बिट्स ऑल्सो। कितनी बार क्या होता है, इसीलिए डबिंग में कितनी बार एक परफॉर्मेंस एक एक्टर की और एनहेंस भी हो जाती है,
क्योंकि जो एक्सप्रेशन वो वहाँ टेक में नहीं दे पाया, कितनी बार एज अ वॉइस एक्टर वी इम्प्रूव दैट, वी गिव इट दैट स्पेशल एज, दैट स्पेशल एक्सप्रेशन, जिससे अगले को लगता है अरे वाह क्या सीन में जान आ गए. यस, इट इज ऑल अबाउट परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूविंग द होल यू नो व्हाटएवर यू सी ऑन स्क्रीन. और इट इज क्वाइट अ चैलेंजिंग थिंग बिकॉज आप किसी और लैंग्वेज में सुन रहे हो, आप साथ में स्क्रिप्ट भी पढ़ रहे हो और आप साथ में लिपसिंग कर रहे हो और आप साथ में परफॉर्म कर रहे हो. You are multitasking, you're doing 4-5 things at the same time. And with the right precision, with the right accuracy, wo main cheez. Aapki sabse memorable moment kaun si rahi hai till now? Bataur writer, bataur lekhak, I've had certain memorable moments. As a jingle producer or as a jingle maker, I've had many memorable moments. तो जैसे एडवर्टाइजिंग की अगर बात करें तो माय मेमोरेबल मोमेंट्स वर व्हेन आई डिड कैंपेन्स विद पीपल लाइक ऋतिक रोशन, बच्चन साहब एंड शाहरुख खान साहब. तो उनके साथ मैंने बकायदा काम किया. आई रिकॉर्डेड शाहरुख खान, आई मेड शाहरुख खान सिंग आल्सो फॉर अ स्पेशल एंथम दैट वी हैड क्रिएटेड. देन आई वाज वर्किंग ऑन हिज ओन प्रोजेक्ट, इट वाज अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, वो पूरा आई वाज डूइंग द होल क्रिएटिव. तो जो जितने भी स्क्रिप्ट्स मैंने शाहरुख खान साहब से ही वॉइस ओवर्स करवाई थी, रिकॉर्डिंग वगैरह का, तो दोज वर वेरी मेमोरेबल मोमेंट्स यू नो वर्किंग विथ हिम. एंड सिमिलरली विद बच्चन साहब, बिकॉज आई हैड डन द लॉन्च एंथम फॉर, उन्होंने एक फोर्स वन की एक एसयूवी लॉन्च की थी, तो उसकी लॉन्च फिल्म जो थी उसका पूरा स्क्रिप्टिंग और नरेशन मैंने किया था. सो एट द लॉन्च आई हैड इंटरैक्टेड विथ हिम ऑल्सो. और अभी हाल ही में कुछ 3-4 साल पहले there was an international jukebox which was launched known as the Amitabh Bachchan ABJB. तो उसका भी जो brand anthem था, it was a brand Amitabh Bachchan anthem which was again written, sung and composed by me, which was officially launched by Bachchan Saab. So again we interacted. There are many moments you can't count. Many moments. I worked with Dharam ji. Yes, धर्म जी, मेरा आपसे जो नेक्स्ट सवाल था वो धर्म जी को लेके ही था. यमला पगला दीवाना में आपने काम किया है, तो सर उसके बारे में हमें कुछ बताइए, उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? यमला पगला दीवाना 1 और 2 दोनों में किया था. यस सर. और उनके जो डायरेक्टर थे समीर कार्णिक, उनकी पिछली दो फिल्में भी मैं कर चुका था. एक फिल्म आई थी हीरोज, सलमान खान की, उसमें मैंने गाने लिखे थे सारे. और उसके बाद उनकी नेक्स्ट फिल्म थी वादा रहा विद बॉबी देओल एंड कंगना रनौत. Usme, then I had written the songs, I had composed the songs, I had done playback singing also. And his third film was... Has two lines now. Okay, Vada Raha ka ek gana tha, jo ki mera bhi all-time favorite hai, aur Bobby Deol ka bhi us samay bahut hi favorite song raha hai wo. Aur usme maine ek whistle mnemonic create ki thi, jo maine khud whistle kiya tha. That became the signature of the song. It was like... आज आसमां कुछ और नीला लगे, सूरज का चेहरा भी कुछ और रोशन सा लगे, शायद वो ये जानते हैं तुम साथ हो मेरे, मेरी खुशी में देखो वो भी शामिल हो चले. दिस वाज द सॉन्ग व्हिच वाज क्वाइट पॉपुलर. और वेरी नाइस, ग्रेट सर. लाइव सुनने में एक अलग ही मजा है ना, यू नो. लेकिन आपका ड्रीम एज एन आर्टिस्ट, आई नो यू आर एन आर्टिस्ट, यू हैव वर्क सो हार्ड फॉर योर थिंग्स, यू आर स्टिल वर्किंग, यू आर सो क्रिएटिव. तो सर एक आर्टिस्ट का होता है ना, एक कलाकार का कोई एक फुल स्टॉप नहीं होता है कि हाँ जी यहीं तक, ये मेरा ड्रीम है यहाँ, ये मैं. The journey of an artist never stops, you know. Never stops. Every moment is you're creating something, you're learning a lot also. अब जो है आपका आगे के क्या ड्रीम्स हैं, आगे आप क्या चाहते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं? मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ और उस और मैंने obviously I've already started walking towards that. मैंने उस ओर कदम रख दिया है. Already started directing also. I mean, in the sense, there are a couple of short films that I've written. I've produced. अभी एक फिल्म आ रही है. It is titled Warning. Warning. I'm the creative producer and the. It's a short film. It's a short film. Warning. Warning. हाँ. So I'm the creative. So,
where it will get released? Yeah, it will first go for all the festivals and stuff like that. Uske baad it will release on an OTT platform. OTT platforms. Okay. So I'm the creative producer and the music director of that film also. Plus now I'll be producing a lot of content. Yes, sir. I started working. Very soon you'll see a lot of things coming out which will be produced by me. Some of them will be directed by me also. And so like I said. Yes, please. It's a never-ending journey. Sir, आपके favorite कौन थे? आपको कौन से कलाकार के साथ काम करकर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? सभी के साथ सी म्यूजिक इंडस्ट्री में तो I've worked with almost everybody, with all the singers, most of the composers also. और बहुत ही दुखद मेरे साथ जिस बात का मुझे बेहद दुख हुआ था that a good friend of mine singer KK he passed away. Yes. और उनके साथ काफी काम किया था मैंने he sang a lot of jingles for me. So we were also very heartbroken after this tragedy. और हम लोग ने साथ में भी काफी गाने गाए थे jingles गाए थे. Yes. And he was such a gem of a person. Yes. मैंने recently social media पे I paid a tribute also to KK. I sang lines of his song, my favorite song, KK song, and it was quite a. Can we hear it? Your favorite song from KK. It is my all-time favorite. और सभी का है, बहुत से लोगों का favorite है. सारे songs. तेरी हर एक बुराई पे डांटे वो दो गम की हो दू तो साया बने तेरा वो दोस्त नाचे भी जो तेरी खुशी में यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है कोई तो हो राजदार बेगरज तेरा हो यार कोई तो हो राजदार प्रोत्साहित मिलता है इतना कि आपको जब विल स्मिथ आपने उनको ट्रिब्यूट दिया उन्होंने वो चीज शेयर की तो सर ये जो आपको प्रोत्साहितता मिलती है उन लोगों से ऐसे लोगों से तो जो हॉलीवुड यस तो आपको सर कैसा फील होता है ये देखकर जब आपने देखा कि उन्होंने शेयर किया है तो आपको कैसा आपका फर्स्ट कैसा था बिकॉज़ दे न्यू दैट आई एम द ऑफिशियल वॉइस ऑफ विल स्मिथ फॉर हिज फिल्म सो ये कनेक्शन था एंड आई रियली एडमायर विल स्मिथ बिकॉज़ ऑफ द वे ही हैज कम अप his performances I've seen his matlab kafi aur jaise abhi ek aur actor hain Don Cheadle aapko pata hoga unhone to jaise Avengers aur Iron Man wagera mein abhi ek jo film aayi thi iski wo bhi Warner Brothers ne kiski thi wo ha Warner Brothers ki thi wo bhi hai na Space Jam 2 usme the main villain he plays Don Cheadle so I dubbed for Don Cheadle also in Hindi सालों पहले विल स्मिथ और डॉन शियाडल साथ में काम कर चुके हैं इन टीवी सीरीज कॉल्ड फ्रेश एयर ऑफ फ्रेश प्रिंस ऑफ बेलेयर तो सालों पहले हमेशा से ही रहा है विल स्मिथ से लग रहा हाँ उन दोनों ने साथ में काम किया था और आगे जाके मुझे मतलब आगे जाके सोचिए व्हाट अ कोइंसिडेंस कि मैंने दोनों के लिए डब किया यस सर इवन आपका मैसेज भी उनके साइड में ही था फिर उन्होंने ट्वीट भी किया उन्होंने फिर मेरा स्पेशल जो वीडियो था जो मैंने बिकॉज विल स्मिथ लॉन्च्ड हिज ऑटोबायोग्राफी कॉल्ड विल तो वो ऑटोबायोग्राफी को लेके मैंने एक बहुत अच्छा एक वीडियो बनाया था व्हिच ही शेयर्ड ऑन हिज ट्विटर हैंडल एंड स्टफ सर आपने पिछले साल एक गाना निकाला था मैं हूं नारी शक्ति करके उसमें आपने वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात की आपने वुमेन ग्रोथ के बारे में बात करी आपने गर्ल्स के लिए वो सॉन्ग जो था डेडिकेटेड किया और इस साल भी आपने गाना निकाला यूपी में यूपी की नारियों के तो सर मुझे आपसे ये जानना था कि आज का इंटरव्यू में मेरा आपसे जो मेन मकसद था पूछने का वो यही था कि आप हमेशा से अपने गानों में किसी ना किसी तरीके से लड़कियों को इंस्पायर करते आए लड़कियों के एम्पावरमेंट के बारे में बात करते आए उनको सेव करने की बात करते आए हमेशा आपने उनके लिए स्टैंड लिया है तो आप एक फिगर है इस टाइम जो गर्ल पावर के लिए स्टैंड लेता है तो सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे देखिए इसकी शुरुआत तो पिछले साल या उससे पहले नहीं इसकी शुरुआत एक्चुअली अराउंड 9-10 साल पहले हुई थी
बिकॉज मैंने जब पहला गाना डेडिकेट किया था सेव एंड एम्पावर द गर्ल चाइल्ड के ऊपर, बिकॉज मेरी खुद जब बेटी पैदा हुई थी, आई हैव अ डॉटर, और आई वॉज रियली वेरी हैप्पी एंड ओवरजॉयड की, एंड आई ऑलवेज वॉन्टेड अ डॉटर, कि एक बेटी का होना इज बेसिकली लाइक हैविंग अ गॉडेस एट होम. तो अगर बेटियां नहीं होगी तो आपके सृष्टि नहीं होगी, आपकी दुनिया नहीं होगी. Yes. तो वो गाना जो था, बिल्कुल ना आप होंगे ना मैं होंगे, वेरी सिंपल. और इसलिए वो गाना जब मैंने बेसिकली उसको ऐसे किया था कि यार मैं अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहता हूँ, लेकिन वो गाना इतना प्रभावशाली रहा, वो बढ़ते 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 सीएम लेवल तक पहुँच गया. तभी जो भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, पृथ्वीराज चव्हाण जी, उन्होंने उस गाने को लॉन्च किया, उन्होंने मुझे फेलिसिटेट किया उस गाने के लिए. तो उस गाने को फिर मैंने हिंदी और मराठी दोनों लैंग्वेजेस में बनाया, वो उन्होंने लॉन्च किया उस समय. और उसमें जो एक बात, अच्छा सबसे बड़ी बात उसमें क्या थी, आमतौर पर क्या होता है जब नारियों के बारे में गाने होते हैं तो एक नारी ही गाती है, एक लड़की गाती है कि भाई, तो ये इसमें अलग ये था कि दिस वॉज अ मेल सॉन्ग, आई हैड संग इट. तो इसकी जो फीलिंग थी वो ये थी कि एक मेल पॉइंट ऑफ व्यू था, इट्स अ फादर सिंगिंग अबाउट अ डॉटर, एंड इट वाज अ मेल पॉइंट ऑफ व्यू कि व्हाट डज अ मेल, व्हाट शुड मेन थिंक अबाउट गर्ल्स, यू नो. तो उसका उसकी दो लाइन मैं आपको बताता हूँ कि कितना टचिंग सॉन्ग था, कि सोचा है तुमने कभी वो जो दे तुम्हें जिंदगी, सोचा है तुमने कभी वो जो दे तुम्हें जिंदगी, है उस माँ के रूप कई एन संगनी, आए जो बेटी बन के क्यों सोचो उसको मिटाने की, नन्ही सी कली मत तोड़ो खिलने का उसे हक दो, फूल बन के अपनी खुशबू से यूं फिजा को महकाने दो. दिस इज अ काइंड ऑफ सॉन्ग. तो दैट वाज एक्चुअली, इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ वहां पे बहुत स्ट्रांग वुमेन एग्जांपल्स रही हैं. जैसे मेरी जो ग्रैंड आंट है, वो अब तो उनका इंतकाल हो चुका है कुछ साल पहले, उनका नाम है श्रीमती लीला सेठ, वो इंडिया की पहली वुमेन चीफ जस्टिस रही है. और जो निर्भया केस जो था, जो निर्भया कांड हुआ था, उसमें जब आरोपियों को जो सजा हुई, उसमें जो वर्मा कमीशन बैठा था, उसमें माय ग्रैंड आंट श्रीमती लीला सेठ वाज वन ऑफ द मेंबर्स, उनके यू नो उस पे उनके हस्ताक्षर हुए थे उस पे. इसलिए सिंस आई बिलोंग टू अ फैमिली जहाँ पे इस तरह की स्ट्रांग वुमेन हैव बीन अ पार्ट ऑफ माई फैमिली, तो मैं चाहता हूँ ये लेगेसी जो है ये दुनिया तक ये बात पहुंचे कि वुमन जो है, अ वुमन इज वेरी पावरफुल. इसलिए हाँ, इसलिए मैं हूँ नारी शक्ति वाला जो गाना मैंने पिछले साल किया था, इट इज अगेन वन ऑफ अ काइंड. एक गाने में, एक वीडियो में मैंने 53 वुमेन को फीचर किया है. उसमें ऑल ओवर इंडिया से मैंने दिग्गज और काफी प्रोमिनेंट महिलाओं को फीचर किया है, जैसे कि अब यूपी की जो हमारी आरटीआई कमिश्नर है, राइट टू इंफॉर्मेशन, वो है उसमें. वहाँ की डीसीपी क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो डीसीपी है रुचिता चौधरी, शी इज इन दैट वीडियो. मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर जी, शी इज इन द वीडियो. फिर हमारे ही गुड़गांव में, दिल्ली में मेहरुनिसा जी हैं जो कि इंडिया की फर्स्ट लेडी बाउंसर रहे हैं, शी इज इन द वीडियो. करुणा वाघमारे इज देयर, हु इज अ बॉडी बिल्डर, फीमेल बॉडी बिल्डर, हु वाज द फर्स्ट फीमेल फ्रॉम इंडिया टू रिप्रेजेंट इंडिया इन द इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप्स. यस सर. इस तरह आई हैव फीचर्ड लॉट मेनी वुमेन लाइक दैट, यू नो. एवरी दीस वुमेन यू टॉक्ड अबाउट सर हैव डन वेरी मच फॉर आवर कंट्री. उन्होंने गर्ल्स को एक नई, एक इंस्पिरेशन है वो गर्ल्स के लिए, उनको एक नई पहचान दी. एंड द वे यू आर स्टैंडिंग विद द राइट थिंग, यू आर नॉट स्टैंडिंग विद एवरी वुमेन, यू आर स्टैंडिंग विद द राइट वुमेन. जी बिल्कुल. स्टैंडिंग फॉर देम हु नीड अ वॉइस, हु आर वॉइसलेस, हु आर नॉट एबल टू speak in front of others, who are getting down, you're speaking for them, you're being voice for them. Actually, being a girl or a woman in a future, it's very proud moment for me to say, yes, we are in a safe place. People Jee. Like you always feel or make us feel safe in this. And thank you for being that
आई होप आपके सॉन्ग से जो आप वुमेन्स के लिए करते हैं आप स्टैंड लेते हैं, लोग इंस्पायर हो. थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड फॉर योर पेशेंस ऑल्सो.